हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। पहलागर प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। लगभग घर का काम हो गया ख़त्म और आज मैंने स्वेटर खोल दी बाहर वाली, सिर्फ अंदर वाली हाफ स्वेटर बहुत दिनों के बाद पहनी, क्योंकि आज सवेरे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मैंने कहा भैया ठंड से बचना है तो कपड़े पहनने हैं ज़्यादा, इस वजह से मैंने अंदर से हाफ स्वेटर पहनी। सुबह तक तो मौसम बहुत ठंडा था, बट अभी आ गई है धूप। न्यूयॉर्क के बाद लगभग मौसम सही है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा पड़ जा रहा है और फिर 9-10 बजे के बाद लगभग धूप जो है चमाचम आ जा रही है। तो हाथ में हंसियाँ पकड़ के हम चलते हैं, थोड़ा जानवरों का पेट भरने के लिए घास वास ढूंढते हैं, क्योंकि जानवरों का पेट भरना भी ज़रूरी है गाइस। और पता है जो हमारे इस साइड के गमले थे ना, 100 पीस वाले, मतलब जितने भी गमले इस साइड रखे थे हम लोगों ने, अब वो हमने रख दिए हैं इस साइड। और इस साइड वाली क्यारों में मिट्टी भरना बाकी रह गया, तो उसमें मिट्टी और जो पुरानी गोबर की खाद है ना वो डालेंगे, उसके बाद बोएंगे इसमें फूल। पहले इसमें साइड से वाइट सीमेंट, वो वाइट वाला चूना लगाएंगे उसके बाद। बट इस साइड का हिस्सा ना पूरा खाली खाली टाइप का लग रहा है, होता है ऐसा अगर ऐसे। और आलू हमारे कब हम लोगों ने अंदर नहीं रखे, आज वैसे ही हैं। अब हम चलते हैं गाइज खेतों में, और मेरी देवरानी और जेठानी वो पहुँच गए खेतों में, वो रास्ता ले जाना घास काटन खीन। तो उनके खेतों में लाई है जो बहुत ज़्यादा डाल रखी है, इसलिए वो लाई उखा रहे हैं। हमने तो डाली नहीं लाई, क्योंकि दवाई डाल देते हैं करके इस वजह से। और बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए, अभी दिन भर परेशान करते हैं, तो स्कूल का वर्क कराया थोड़ी देर, उसके बाद भेज दिया मैंने उनको खेलने के लिए। और उसके पापा गए हुए हैं स्कूल, क्योंकि उनके बस का जो थोड़ा सा काम करवाना था इस वजह से। और सुबह ही भात उछा दिया था आज, क्योंकि मेरा बनानी जैसा है नहीं, तो इसके मैंने सुबह भात पका दिया। वो भी चल दिए हैं अपनी दुकानदारी करने, यानी सामान है जो अपना सामान बेचने के लिए। सबका काम हो ही रहता है, मेरा भी काम है दराती लेके खेतों में रीटने का। तो गाइस रीटते हैं अब थोड़ी देर खेतों में। तो अभी जो है ना शाम के बज गए 3, ब्लॉग बनाने का टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, काम में शाम कम हो जा रही है, तो प्लान चल रहा है। और बच्चे लोग यहाँ पर देखो, इन लोगों ने खोल रखा है सिनेमा हॉल, यहाँ पर तीनों बाप बेटी बेटा सब लगे पड़े हैं कार्टून देखने में। और धूप तो फिलहाल अभी भी है ही, आज हवा भी चल रही है, शायद कल लगे कोहरा कम। तो यहाँ पे पकने लग गया मेरा दाला, अभी दाले का डिपार्टमेंट है जो मेरा, ये मैंने पकाना ठहरा इस वजह से। तो अभी आ गए हम बरसिंग के खेत में तोड़ने के लिए हरी सब्जी। मैं सोच रही हूँ, आज मुझे बहुत दिनों से सब्जी खाने का मन करा था, सब्जी पर बना ही नहीं थी, बट आज मैं सोच रही, क्योंकि बना तो मैं सकती हूँ नहीं, तोड़ ताड़ के रख दी थी, उसके आपस से कहूँ कि काटो और बनाओ। आज स्वामी जी का हाथ का बनावा साग खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं आई हूँ खेत में तोड़ने के लिए हरिया साग। हरी सब्जी इसमें पता है बहुत ज़्यादा बो दी थी, बहुत ज़्यादा, बट मैंने थोड़ी थोड़ी बरसी में काट दी, बट अभी भी बची हुई है कहीं कहीं पर। और जी इसमें जो हरी सब्जी, इसके पत्ते इतने काले काले हो ना, ऐसा मन कर रहा है सब्जी वैसे ही खा जाऊँगा, क्योंकि इसमें बोई हुई बरसी में बोई हुई हरी सब्जी बना, अभी इतनी जल्दी कीड़ा भी नहीं लगेगा इसलिए। तो ये जमी हुई है कहीं कहीं पे हरी सब्जी है देखो, और बाकी मैंने ये तोड़ दी है। मेरे दो पत्ते गिर भी गए नीचे, दो क्या सभी चले गए नीचे कोई। तो तोड़ दी है मैंने हरी सब्जी, और जैसे ना गाइस मैंने साल लोगों से कहा, जैसे तुम लोग मुझे 3-4 दिन भूखा प्यासा रखे रहते हो ना, कसम से जिस दिन मेरे को 5 दिन हो गए ना, मैं लोगों को ऐसा भूखा प्यासा रखूंगी ना, वो मुझे पता है। किसे कह रहा कलवी? मेरे को देख, मेरे पापा को देख, कौन है काला? तुम मारोगी? पापा है काले तेरे, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, इसके पापा तो बहुत काले हैं। ये गंदा गाय जिसकी मैम जिसको शिकायत कहनी पड़ गई मैंने, अब ना गंदा लड़का हो रहा है ये अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कुक साहब हैं जो सब्जी काटने के लिए, भैया स्टूल आया, एक बार चाकू तो दिखा दो, कैसे चाकू लेके आए हो? इतनी स्टैंडर्ड चाकू आई है सब्जी काटने के लिए। किसकी गर्दन काट रहा हूँ ऐसा लग रहा है तुम्हें? कैसी फीलिंग आ रही है इसको काटने समय? मुँह तो देखो इन गाय, आ रही है कोई फीलिंग? किसकी गर्दन काट रहा हूँ ऐसा लग रहा है? पूजा की। मेरी ना? तो एक बार ऐसे करके कैसे काट रहे हो तुम मेरी गर्दन बता दो तो। ये देखो इतनी ताकत लगाएंगे मेरी गर्दन काटने में, ये हो गया ना नफरत है ना, नफरत भरपूर है इनके मन में मेरे लिए ना। ये देखो भाई, और हमारा लल्लू कल्लू यहाँ पे ये लगा हुआ है फोन में, छोटा चुनील तेरा पगा नाम क्या है रे? ओए हैं
सुनील, और तेरा नाम, तेरा नाम क्या है? ए तेरा नाम क्या है? सुनील है तेरा नाम भी? आज का नाम सुनील रख रखा है पंडित ने। ये आई बेटा, बड़ी काली हो गोरी हो के आई गई ये बिल्ली। अभी ये सुबह तक तो ये गोरी गोरी चमक रही थी, अभी इतनी ज़्यादा गोरी हो गई है। और गाइस मैं एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, फूल। उस वाले में तो उतने नहीं खिले ना, बट इस वाले में इतने बड़े, एक फूल किसी ने तोड़ भी दिया, इसमें इतने मस्त लग रहे हैं ना फूल। ये देखो, हाँ नहीं बना रही मैं तेरी पतंग की वीडियो। एक वो पहुँच रखी है छत में वो, और उसकी पतंग कहाँ है ना, वो इसे बहुत दूर पहुँचा दी रे पतंग, वो उधर पहुँचा रखी है, वो उधर वो, हाँ देखो कितनी दूर पहुँचाई पतंग। ये किताब पढ़ने लिखने में गुस्से हुए, ऐसे काम में फर्स्ट हुई लड़की तुम्हारी। ये तो गाइस ये रही हमारी, कौन है तू, है कौन तू, खुशी। और वो रही खुशी की पतंग, वो दिख रही है वो, जूम करके भी दिखी, हाँ अब दिखी। ये रही इसकी पतंग, आज लाइफ में पहली बार पहुँचाएगी इसने अपनी पतंग इतनी दूर ना। तेरे को बाद क्या था आगे में, इसी में तुझे पहुँचाऊँ, वहाँ पहुँचा दो, नहीं टूटेगा रे। ये रही इसकी पतंग। और जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, ये यहाँ पहुँच गए हैं सूरज भगवान। ये देखो गाइस, और इस वाले में तो हमारी बरसनी नहीं हो दे रही है, ये क्या कहा जाए। और वो रहा अपना हाईवे, ये देखो। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हुई हूँ, अच्छा अब मतलब बस के चलना पड़ रहा है छत में उठाने के लिए कपड़े पता है कल से हैं शायद, कल सुबह के धोए हुए हैं, आज शाम जाके ये सूख रखे हैं। आज मेरी टोपी भी दो दिन में सूखी है ये वाली, अभी भी मतलब बहुत तो नहीं हल्की फुल्की, फिर भी गीली है ये, क्योंकि आज थोड़ी चटकी धूप पड़ी थी इस वजह से। और स्वामी जी आज बने हुए हैं कुक, वो बना रहे हैं सब्जी। तो फटाफट कपड़े उठा के एक बार चलते हैं अपने कुक साहब को देखने के लिए कि सब्जी माजे डाली कि नहीं डाली करके उनने पहले। तो क्या है, जहाँ पर स्वामी जी ने सब्जी काट के धो के निचोड़ नचाड़ के रख दी है, और ये हैं बर्तन धोने वाले, और यहाँ पे ये बन गए हैं कुक। ले बेटा जो इसमें जीरा डाल के, इतनी मिर्ची डाली है रे तुमने बेटा, हाँ कैसे खाएंगे रे हम लोग, आज ये बने हुए हैं कुक। गाइस सब्जी, हरी सब्जी थोड़ा बना रहे हैं ये, मिर्ची काट काट के डाल रही, क्या करूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं खुशी से कह रही थी, खुशी सब्जी बना दी मेरी चिली, कितनी स्वाद सब्जी बनाती, वो मुँह भी उजाला नहीं हुए रहता। झाड़ू लगा ले ये पूरे फील्ड में, खाली घूम रही है यहाँ से वहाँ, कुर्सियाँ रख इधर उधर। ये जो कुछ काम करने लग गए ना, मैंने भी कुछ ना कुछ काम ही करना धरा, बस हो गया। क्या कर रहे हो गाइज? तो ये बिन गए बिना बोलने वाले गूंगे गाइज हैं ये, अरे हमारा रॉकी सिंह। अभी हो गई है शाम, कोहरा भी लगने लग गया है, और मैं चली गई हूँ बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि उनका वहाँ चल रहा है गेम। और देखो खेतों में पीली पीली लाई कितनी अच्छी लग रही है, और चारों तरफ है हरियाली। और ये है ना अरहर का पेड़ है, इसमें अरहर लगते हैं, दाल यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ये। आम फिर से आ गया, अरहर में जिठान के कंडे, ये कंडा है कंडा। तो गाइस ये है चंगू मंगू अन्नू पंकू छन्नू नित्तू फित्तू, ये देखो ये खेल रहे हैं चुंगी रावण जैसा। ये चल बना, 20 बनते नहीं बनते, बस दो में आउट। टम फिल से पहुंच गए छोली से मिलने, और छोली की बली मम्मी क्या आया गोबर निकाल रही है। छोली आजा आजा आजा, ये देखो आज छोरी ने डबल कान लगाए, देख भैरी थोड़ा कहते हैं अंधी का हो, जल्दी जल्दी आ। ये देखा कहना मानता है ना, हाँ गोबर में पैर रख दे, बस रख दिया
लग दिया। अच्छा करा ना, काम बढ़ा रहा है। देखो भैया, बुतकारे लोग हैं हमारे गांव के। अभी बज गए हैं 6 और खाना बनाने से आज मेरी छुट्टी। स्वामी जी ने बना दी थी सब्जी और इसके हम बनाएंगे अब रोटी। अभी वो ताप रहे हैं बाहर आ, क्योंकि पड़ोस के दादा आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं वो बाहर। और गाइस बाहर बहुत अंधेरा हो गया, दोनों बाप बेटे गए हैं अभी कुत्ता को मारने के लिए। और आज हमारा छुटका सिंह भी गया है बहुत दिनों बाद, और यहाँ पर ये नाच रही है, नाच के दिखा दे। तो इसको हमने पता है स्कूल में आज पार्टिसिपेट में जो इसने उत्तरानी पौतरी में प्रोग्राम लिया था नहीं भेजा, क्योंकि क्या है अब इनको लगातार वहाँ जाना है बोला, तो इतना तो हमसे नहीं पाएगा। आज जाना था नहीं था, जाना था नहीं, क्योंकि अब फ़ोन कर लिया था मैम ने, कहा कि प्रोग्राम वाले बच्चों को रोज़ आना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने कहा कि हम नहीं पहुँचा। वो जाता रोज़ रोज़ कौन लेकर जाएगा, कौन पहुँचाएगा, क्योंकि इसके पापा के कभी कभी स्कूल में जाना पड़ जाता थोड़ा काम वाम से, इसे बुकिंग वुकिंग मिल जाती है तो वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से हमने कहा कि नहीं आ पाएंगे, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, इसके बदले हम दूसरी लड़की रख लेंगे। मैंने कहा सही है, ये भी सही है, खाली क्या नाचना है, मैं घर ही में नाच दूँगी उससे ज़्यादा, तो तुझे नचा दूँगी, मतलब मैं घर ही में, क्यों नहीं आता है मुझे, कितना अच्छा डांस आता है। नहीं गाइज, अब मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं अपना पूरा डांस दिखाऊंगी, मैं कैसे नाचती हूँ करके, बहुत अच्छा डांस करती हूँ मैं। बट अभी तक मैंने ब्लॉग में कभी डांस ही नहीं किया है, किया है आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो दोबारा से ब्लॉग रिपीट करते रहना, करते रहना, उसमें मेरा डांस पक्का आ रहेगा गाइज। तो अभी मेरा जो सोने के लिए यहाँ पे जो चरपाई है ना वो आई नहीं है, अब इसके पापा आएंगे फिर मेरी चारपाई अंदर रखेंगे। देखा मम्मी, मैंने शौर्य को चलना सिखाया। हाँ ये वहाँ बस दीपू के लड़के यानी शौर्य को ये चलना सिखा के आ गई, इसका काम ही है, एक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वहाँ अब उसको चलना सिखाया। अपने दोनों भाइयों ने कुत्तों बिल्लियों जैसी लड़ाई हो जाती है, इन दोनों भाइयों ने ऐसे लड़ते हैं ना, फिर घर में आएगा फिर देखना इनका पंगा। और घर आते उसको चाहिए सबसे पहले फ़ोन, और कल भैया कल वो 11 बजे तक उठा था, परसों बाहर 11 बजे उठा था कल पापा के फोन, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ, ये भी कल सो गई थी, इसको मैंने डांट डांट कर था, बट वो उठा था पापा। अच्छा, का इंतजार कर रहा था, तो एक बार मैं पानी पीने के लिए उठा तो पापा गए थे, हाँ बेटा और देखना फोन रख दे। हाँ समझ गए, 11 बजे तक वो कल उठा था। वो क्या कर रहा है पता, आजकल दिन भर वो सो नहीं रहा, ठीक शाम के समय 4 बजे 4:30 बजे वो सो जा रहा है, फिर उसके बाद वो ठीक 7:30 8 बजे उठ जा रहा है। उसको पता कि उसके बाद मुझे फ़ोन मिल जाएगा, इन लोगों को नींद लगने लग जाती है करके वो फ़ोन के लिए दोवे लगे रहता है। तो गाइस आज मैं भी तेज़ बनी, आज दिन भर मैंने उसको नहीं सुला रखा, तो अभी थोड़ी देर में आएगा उसके बाद वो सो जाएगा, हाँ पर ही उठा देगी। तो गाइस अब मैं क्या करती हूँ ना, इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।